मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप मेरे YouTube लिंक योग गुरु उमेश जोशी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। साथियों, एक बार पुनः आपको राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, आसनों की श्रेष्ठता को प्रेषित करने वाले जिस आसन का नाम शीर्षासन कहा जाता है वो श्रेष्ठ आसन है आसनों के अंतर्गत। और शीर्षासन करने से हमारे ओज में, तेज में और ऊर्जा का एकदम संचरण हमारे सहस्रार की ओर होना आरंभ हो जाता है और उससे हम अपनी जो हमें परमात्मा के द्वारा आयु मिली है उसको भी हम नियंत्रित कर लेते हैं। ओज हमारा निरंतर बने रहता है और हमारे मुखमंडल में और मस्तिष्क में सोई हुई शक्तियों का जागरण होना आरंभ हो जाता है। साथियों, लेकिन आसनों के अंतर्गत श्रेष्ठ आसन शीर्षासन बताया गया, लेकिन शीर्षासन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसी अनुभूति को महसूस करते हुए सर्वश्रेष्ठ आसनों के अंतर्गत मेरे अंदर जो मनोचिंतन हुआ, अनुचिंतन हुआ, विगत कई वर्षों की योगमय यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया कि शीर्षासन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक उम्र के साथ ही हम इस अभ्यास को अपने जीवन में परिमार्जित कर सकते हैं, लेकिन विचारासन, जिस आसन की आज मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूं, वह विचारासन है और वह सर्वश्रेष्ठ आसन मैंने नियुक्त किया है। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ आसन शीर्षासन है तो मेरी अनुभूतियां कहती हैं कि विचारासन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस आसन को आप किसी भी स्थान पर कभी भी कर सकते हैं। इस आसन का अर्थ है बस सिर्फ सकारात्मक स्थितियों के साथ स्वयं को संलग्न करना। और जब आप कहीं पर भी अपने कार्य क्षेत्र में भी हों, दो चार डीप ब्रेथ करें और जब कोई सुझाव आपके अंदर परिमार्जित नहीं हो रहा है तो उस सुझाव को परिमार्जित करने के लिए अंतर जगत की यात्रा। जब आप योग और ध्यान विषय से जुड़ते हैं, जैसा कि वेद व्यास जी ने भी अक्षर ब्रह्म कहा है और स्वाध्याय समाधान कहा है। स्वाध्याय का अर्थ है वैचारिक स्वचिंतन करना, अपने अंदर की ओर उन विचारों को परिमार्जित करना जो विचार किसी कारणवश हमारे अंदर सुप्त अवस्था में सोए हुए हैं, उनको जागृत करना। तो कहने का अर्थ है उन विचारों को अपने अंदर परिलक्षित करने के लिए आपको यह विचारासन मैं आपके सम्मुख प्रेषित कर रहा हूं कि आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी स्थान पर भी जाएं, सबसे अकल्पनीय जो साधना का समय है उसे आप प्रातःकालीन समय में परिमार्जित करें। लेकिन ये विचारासन आप किसी भी स्थान पर कभी भी और किसी भी आयु के व्यक्ति को करने में किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई उसके अंतर्गत उसका रुकावट नहीं हो सकती, अपितु कोई भी व्यक्ति विचारासन को किसी भी स्थान पर कर सकता है। आप किसी भी तरह के, चाहे उम्र के पड़ाव में हो, चाहे आप 80 वर्ष के हैं, चाहे आप 5 वर्ष से ऊपर के बालक को आप विचारों के प्रति, या विचारासन का अर्थ है कि आप समाज में अपने अनुभव से या जिस सकारात्मक स्थान पर, जैसे मंदिर में जाते हैं तो वैसी वैचारिक स्थितियों का पदार्पण हमारे अंदर होता है, उसी तरह आप सकारात्मक अनुचिंतन करना आरंभ कर देते हैं जब विचारों को आप अपने अंदर परिमार्जित करना आरंभ करते हैं। विचारों को परिमार्जित करने के लिए परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद या हमारे जीवन में जिसका हम अनुशीलन करते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुचिंतन करते हैं, जिसको हम अपना कह सकते हैं कि एक आराध्य भी मान सकते हैं, उसके उसके अनुसार उसके पथ पर चलने वाले एक, उसे हम अपना एक कह सकते हैं कि एक हमें मोटिवेशनल प्रदान करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे मैं अपने आप को आगे की ओर ले जा सकता हूँ। उसी स्थान पर हमारे जैसे संत हैं स्वामी विवेकानंद जी हैं, विनोबा भावे जी हैं, महर्षि अरविंदो हुए हैं, उसी तरह महात्मा गांधी जी भी हैं। तो इनके चरित्र को आप देखेंगे तो आपको
इनका अनुसरण करना है, लेकिन इन्होंने त्याग बहुत किया, जीवन में साधना बहुत की है। जब हम किसी भी व्यक्तित्व को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करते हैं तो उसके निचोड़ को देखने की कोशिश करें कि उन्होंने जीवन में त्याग बहुत किया, साधना बहुत की है। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में इसी विचार आसन से, छोटे से शब्द से, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कहते ही संपूर्ण ब्रह्मांड को, जितने भी देश उस चर्चा में उपस्थित हुए थे, उनको अपनी ओर आकर्षित कर दिया सिर्फ शब्द से, सिर्फ विचार से। वो उनकी साधना थी, वो हमारी भारतीय परंपरा का बीज उनके अंदर निरूपित था, उसका प्रभाव था। तो साथियों, जो अवसर परमात्मा ने आपको दिया है, उस स्थिति को जानें, पहचानें, महसूस करें और जीवन में संलग्न करें अपनी उस ऊर्जा को, अपने उस प्रभाव को। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने अंदर स्थित उस ऊर्जा को जानने के लिए विचार आसन रूपी अवस्था को अपने अंदर प्रतिपादित करें और अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, अच्छे साहित्यों को पढ़ें, अच्छे सकारात्मक माहौल में जाएं, जो कि आपको उस स्थान पर ऊर्जा भी मिले और जीवन का संचयन करने वाले शब्द भी प्राप्त हों। क्योंकि जैसी स्थिति, जैसी गति और जैसे स्थान की ओर हम अपने आप को ले जाते हैं, वैसी ही स्थितियां हमारे जीवन में होना आरंभ हो जाती है। साथियों, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सम्मुख देना चाहता हूं। जिस तरह हमारे जीवन में लालसा रहती है कि हम अच्छा भोजन ग्रहण करें, अपनी रसेंद्री के माध्यम से हम अच्छे भोजन की ग्रहण करने की हमारे अंदर लालसा रहती है कि हम टेस्ट के अनुरूप भोजन करते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जीवन में आप मनसा वाचा कर्मणा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। ऐसे विचारों को पहले तोल लें जो विचार आपको स्वयं अच्छा लगता हो। ऐसे विचारों के टेस्ट को अपने अंदर परिमार्जित करें। जिस तरह भोजन का टेस्ट आप लेते हैं, अपने लिए अच्छा टेस्ट लेते हैं, उसी तरह अच्छे विचारों को परिमार्जित करें और फिर उनको तोलें मन रूपी तराजू में, चिंतन रूपी तराजू में। फिर मनसा वाचा कर्मणा, जो जब शब्द आपको लगता है कि वो शब्द ऊर्जा देगा, दूसरों को प्रेरित करेगा, क्षमता देगा, आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगा, ऐसे विचारों को प्रेषित करें। क्योंकि जीवन में जिस दिन हम स्वयं को जान लेते हैं, क्योंकि योग का अर्थ ही मैं कौन हूं, तो मैं का अर्थ है कि हम अपने लिए एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छे घर की, जो मानव जीवन है उसकी रचना के अनुसार मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग सब अच्छा चाहते हैं। उसी तरह जो दूसरा व्यक्ति हमारे सम्मुख है, मानव जो समाज हमारे सम्मुख है, तो वहां भी सभी की अभिलाषाएं इसी अनुरूप होती है कि सभी अपने लिए अच्छा चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जब भी जो भी बोले, जो भी विचार अपने जीवन परिमार्जित करें दूसरों के प्रति भी, तो उसका मोल समझें और उसका सदुपयोग करें अपनी वाणी का, अर्थात टेस्ट के अनुसार जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे ही विचार दूसरों के सम्मुख प्रेषित करें। साथियों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ विचार आसन का ही। सब आप मान लीजिए, सूर्य तत्व की बात मैं कई बार करता हूँ। एक सूर्य तत्व है, अगर आप जैसे ही सूर्य को अपने अंदर, हम सूर्य को सिर्फ जल चढ़ाने तक ही सीमित रह चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा सूर्य से मित्रता करें, सूर्य को अपना गुरु बनाएं, सूर्य को जानने के प्रयास करें। जैसे ही आप सूर्य को जिस दिन अपना मित्र बना लेंगे, उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे, समझ सकते हैं सूर्य किसके गुरु हैं, हनुमान जी के। ओम अतुलित बल धामम, बल में भी अग्रणी है। ओम अतुलित बल धामम हेम सैलाब देयम धनुजवन कृष्णानुनम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानाम बानरानाम धीशम रघुपति प्रियभक्तम बाज्यातम नमामि। तो परमात्मा के अकल्पनीय भक्त भी हैं, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं, तो उनके भी गुरु सूर्य हैं। उसी तरह जो वेद माता गायत्री का हम उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र का, जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ भी सूर्य देवता की ही पूजा करना है। तो प्रकाश तत्व को परिमार्जित करने के लिए आप सूर्य को अपना मित्र बनाएं और जो विश्व है, जिस विश्व को हम ग्लोब के रूप में देखते हैं, एटलस के रूप में देखते हैं, वह विश्व स्वतः ही आपके सम्मुख गुजरेगा। स्वतः ही उस विश्व में यात्रा करने का फल आपको, जिस चराचर जगत में मानव लोक में है, तो एक सूर्य को हम देख रहे हैं, सूर्य की मित्रता को हम महसूस करते हैं। सूर्य स्थिर है, लेकिन जो ब्रह्मांड है, वो जो पृथ्वी रूपी काया है, वो चारों तरफ यात्रा कर रही है। तो जैसे आप सूर्य से मित्रता करेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड की अनुभूतियां आपके सम्मुख आएंगी। सारा विश्व आपको एक क्षणिक सा, छोटा सा लगेगा, क्योंकि जो रोज निरंतर गति कर रहा है। इस मनोभाव को महसूस करने का प्रयास करें और साथ ही साथ जब भी आपको सुअवसर मिलता है समस्त लोकों की यात्रा करने का, क्योंकि ये एक लोक में हम घूम रहे हैं जिसकी सूर्य की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको समस्त लोकों की, चाहे वो ओम भू भुवस्व, जैसे कहा गया तीन लोक
पृथ्वी लोक, आकाश में आप लोगों को देखा होगा, अनंत लोग हमारे हमारे अंदर विद्यमान है। जैसे ही आप भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करते हैं तो आपको क्षीर सागर भी नजर आएगा, गौलोक भी नजर आएगा, पृथ्वी लोक भी नजर आएगा, स्वर्ग लोक भी नजर आएगा, भूतल भी नजर आएगा, तो कहने का अर्थ है सुतल लोक भी नजर आएगा। तो निर्भर करते हैं जैसे आप उस नारायण का अनुचिंतन करते हैं जो हमारा देवता नीर में निवास करता है। सिर्फ नारायण कहते ही समस्त जगत की, क्योंकि वो जगत पति भी हैं, जगत पिता भी हैं, जगत नियंता भी हैं, जगदीश्वर भी हैं और ब्रह्मांड नायक भी हैं। तो जैसे हम नारायण कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ऋषभ देव जी कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं, माँ जगदम्बे कहते हैं, तो वो हमें चाहे आप नारद जी का ही नाम ले लें तो समस्त चराचर जो जगत में हमारे, क्योंकि आंतरिक जगत में जब हम ध्यान करते हैं, विचार को परिमार्जित करते हैं, तो हमें अनेकों ब्रह्मांड महसूस होते हैं, अनेकों ब्रह्मांड हमें दिखाई देते हैं। धीरे धीरे उनके द्वार, उनके कपट हमारे अंदर खुलने आरंभ हो जाते हैं और उन किवाड़ों के खुलते ही हमारे अंदर हर युग की स्थिति का परिमार्जन होना और हर यथा स्थान की स्थिति का अनुचिंतन होना हमारे अंदर आरंभ हो जाता है। तो साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि भगवान का ध्यान करें और जीवन में जो विचार आसन हमारे अंदर है, जैसे आपने नारायण कहेंगे तो अनेकों ब्रह्मांड आपको नजर आएंगे, सूर्य देवता का अनुचिंतन करेंगे तो पृथ्वी में जिसमें हम विचरण करते हैं, निवास करते हैं, वह साक्षात हमारे सम्मुख संपूर्ण ब्रह्मांड को, पृथ्वी रूपी ब्रह्मांड को दिखाने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे मित्रों का चुनाव करें, अच्छे ग्रंथों को पढ़ें और सुअवसर मिलता है संत जनों का भी, अच्छे संत भी संसार में विद्यमान है। मैं निवेदन करूंगा, संतों की छवि कुछ खराब हो गई है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपने कभी भागवत का अनुचिंतन किया तो भगवान के भी एक छल रूप धारण करने वाले पौंड्रक ने बहरूबिया रूप धारण कर लिया था उस युग में भी। उसी तरह मैं निवेदन करूंगा, जब आप कहीं पर नोट चलाते हैं तो असली नोट के मध्य कई लोग नकली नोट भी चला देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जब आप साधना करते हैं, विचार आसन को अपने अंदर परिमार्जित करते हैं, तो दूसरे व्यक्तित्व को जानने की संत के चरणों का अनुचिंतन जरूर करिए। संत की कृपा जिस तरह अन्न का कण और संत का क्षण, क्योंकि जो हमारा भारतवर्ष है वो महान भूमि है और ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, परमात्मा परमेश्वर की खेलने की भूमि है। तो मैं निवेदन करूंगा संतों के पल का भी यूं अच्छे से उनका, उनके साथ जब भी बैठें तो ज्ञानात्मक अनुचिंतन अनुशीलन करें, जिससे कि जीवन परमार्थ की ओर कदम बढ़ा सके। उसी तरह मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी विचार, पहले सादा जीवन उच्च विचार एक शब्द आता है, तो जीवन में आप सरलता लाएं, तरलता लाएं, किसी भी प्रकार की उद्विग्नता ना रखें और विचार हमेशा आपके अच्छे होने चाहिए। अच्छे विचारों का संबंध कब बनेगा? जब आप विचार आसन करेंगे, जब जीवन में सत्संग को उतारेंगे, जब जीवन में स्वयं उस गहराई पर प्रवेश करेंगे अपने पिंड रूपी आंतरिक महासागर में, और वह गहराई आपको किससे एक रूप कर देती है? हमारे आत्मिक अंश के महत्व को बता देती है। और जब जिस दिन हम आत्मिक अंश को महसूस कर लेते हैं तो साक्षात परम पिता परमेश्वर की अनुभूति का अनुचिंतन हमारे जीवन में आ जाता है। उसके तदुपरांत जब आपके आत्मिक अंश का अनुचिंतन आपको होना आरंभ हो जाता है, फिर आप सुख दुख से भी परे हो जाते हैं, लाभ हानि से भी परे हो जाते हैं, क्योंकि जीवन के क्रम है, लाभ हानि सुख दुख दिन रात ये जीवन के क्रम है। तो इन क्रम बंधनों से भी आप धीरे धीरे जब विचार आसन को अपने अंदर अनुशीलन करना आरंभ करते हैं तो समायोजन की स्थिति आ जाती है। जब आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, अगर कोई आपकी मीटिंग्स में कोई सुझाव आपको नहीं मिल रहे हैं, अगर आप ध्यानात्मक अनुचिंतन को अपने जीवन में लागू करते हैं तो समाधान आप स्वतः ही दे सकते हैं, नहीं तो कई बार कई निष्कर्ष निकलने में समय निकल जाते हैं। तो इसलिए जो ध्यानात्मक जीवन शैली होती है, विचारात्मक जीवन शैली होती है, जिसमें आप अनुचिंतन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो उससे सुझाव स्वतः ही उसका निष्कर्ष निकल जाता है। तो साथियों, सकारात्मक जीवन शैली को जिए और कभी भी प्रयास करें सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे स्थान को, ऐसी स्थिति को अपने अंदर प्रतिपादित करें और साथ ही साथ बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए विचारों का घुलनशील करते हुए, अनुचिंतन करते हुए उनको अपने अंदर परिमार्जित करें। अब मैं आपको बता देता हूं एक सरलतम शब्द जो विचार आसन को निरंतर अडिग रहने में आपको सहायता प्रदान करेगा, वह शब्द है, सार है जीवन का, जीवन का सार ही सत्य है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अब उसी तरह सत्चित आनंद, वैसे ही सत्यम शिवम सुंदरम, और जो योग करते हैं उन्हें पता है कि पहला ही जो आठ अंगों का जो समावेश महर्षि पतंजलि ने बताया उसमें यम बताया, और यम का भी पहला सब सत्य ही है। सत्य को अपने अंदर परिमार्जित करने की आप कोशिश करें। सत्य जब आप जीवन में, क्योंकि कलयुग में हम निवास करते हैं
तो सत्य परेशान जरूर होता है, लेकिन सत्य कभी भी हताश, निराश और पराजित कभी नहीं होता। उसकी निरंतर जीत होती है। उस जीत को आप बयां नहीं कर सकते। वो जीत आपके अंदर हमेशा प्रसन्नता, और सत्य का अर्थ है आनंद रस, चित आनंद। आपका जो प्रकाश रूपी चित आपको मिला है, परमात्मा ने चित दिया है, और उसी के अनुसार चित्त का अर्थ प्रकाश है और चित्त का अर्थ जलाशय है, मन है। तो चित्त को शांत करने में सत्य शब्द आपके लिए हमेशा आपको इस तरह का रस देगा कि आप विश्व विजय निरंतर कर सकते हैं। विश्व विजय करने के लिए सत्य रूपी विचारासन को, सत्य रूपी शब्द को अपने जीवन में परिमार्जित करें। मैं निवेदन करूंगा कि जीवन में सत्वगुण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, और जिस दिन सत्वगुण से आप परे हो जाएंगे, उस दिन भक्ति का उदय आपके जीवन में होगा और परमात्मा की शरणागति आपको प्राप्त होगी। जब हम इन तीनों गुणों से, सत्व, रज और तमोगुणों से पृथक हो जाते हैं, तब सोच लीजिए कि आप साक्षात श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। और जिस दिन आप सत्संग को सुनने के लिए, उसको जानने के लिए निरंतर उत्सुकता का भाव आपके अंदर परिमार्जित होते हैं, उस दिन सोच लीजिए भक्ति योग अर्थात विचारिक योग अर्थात सत्य रूपी शक्ति का समावेश आपके अंदर हो चुका है। तो मैं निवेदन करूंगा आप इस उच्चता प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ आसन विचारासन, जिसको अनुभूत किया, मैंने बोला शीर्षासन से भी शीर्षासन श्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ विचारासन है। आप विचारासन कीजिए, स्वचिंतन कीजिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, संतजनों का अनुचिंतन कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा कभी भी किसी परहित परहित हेतु चिंतन कीजिए, निंदा मत कीजिए, और सत्य रूपी शस्त्र को अपने अंदर धारण करते हुए, अडिग रहते हुए, सकारात्मक चित्त को अपने अंदर प्रकाशित कीजिए। अपने चित्त को सकारात्मक प्रकाश प्रदान करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस विषय विचारासन को यहीं पर विराम देने जा रहा हूं। मित्रों, जिस तरह आप मुझे निरंतर सुनते आते हैं, मेरी प्रेरणा आप ही हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत आप ही हैं। जब आप मुझे सुनते हैं, जब मुझे सुझाव देते हैं, तो मैं प्रयास करता हूं अपने द्वारा अर्जित उस ज्ञान को छुपाऊं नहीं, अपितु जैसे ही जो शब्द मेरे अंदर परिमार्जित होता है, मैं आपके सम्मुख उसे प्रेषित करूं। तो साथियों, इस सत्य रूपी अवधारणा में ही आप अच्छे विचारों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, नहीं तो इस योग में इस शब्द को धारण करना भी, सत्य के साथ सत्य भाषण को धारण करना भी, आप थोड़ी देर, जैसे जिस तरह से हम श्मशान भूमि में जाते हैं, थोड़ी देर सोचते हैं कि सब क्षणिक है, और जैसे बाहर आते हैं तो उस मोह रूपी बंधन में आप जुड़ जाते हैं, तो वैसे ही सत्य शब्द को पचाने के लिए सचेत होना पड़ेगा। अपने विचार आसन को, अपने आत्मिक अंश को, अपनी आत्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए, अंतर प्रकाश को जागृत करने के लिए आपको वैचारिक शक्ति के साथ संलग्न होते हुए स्वाध्याय रूपी बीज को अपने अंदर परिमार्जित करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा विचारासन करें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, और मैं निवेदन फिर से एक बार और करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल लिंक को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसका बेल आइकॉन जरूर दबाएं साथियों, क्योंकि आप मेरी प्रेरणा है, आप मेरी ऊर्जा है, आप मेरे माध्यम है, क्योंकि आप मुझे सुनने वाले हैं, आपके बगैर मैं अधूरा हूं, तो आप मेरी ऊर्जा हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तस्यत, हरि ओम तस्यत, हरि ओम तस्यत। ओम।